दोस्तों पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहेगा और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी एक्टर्स यही चाहते हैं कि वो हमेशा सलमान खान के गुड बुक्स में ही रहें, क्योंकि सलमान खान से जो पंगा लेता है उनके करियर के एल लग जाते हैं, चाहे फिर वो एक्टर बॉलीवुड इंडस्ट्री से हो या फिर हो साउथ इंडस्ट्री से। जिसने भी सलमान खान से पंगा लिया है समझो उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो अब साउथ के एक एक्टर ने सीधा सलमान खान को चैलेंज कर दिया है, और चैलेंज यानी कि कोई झूठा मोटा चैलेंज नहीं बल्कि एकदम सच्चा और सीधा चैलेंज। तो दोस्तों अब ये चैलेंज साउथ के इस एक्टर को भारी पड़ता है या फिर सलमान खान को हराकर वो इस चैलेंज के विजेता बन जाते हैं, ये तो देखो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि सलमान खान की इस साल दो फिल्में रिलीज होने वाली थी, एक तो किसी का भाई किसी की जान जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और सिनेमा घरों में काफी अच्छी कमाई कर रही है। लेकिन दोस्तों इसी साल दिवाली के मौके पर सलमान खान की एक और बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है टाइगर 3, और इस मूवी की हाइप जिस तरीके से अभी बज में है वो काफी आश्चर्यजनक है, और फैंस इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड बैठे हैं क्योंकि इस मूवी में आपको सलमान खान के साथ शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलेगा, जिस तरीके से पठान मूवी में आपको शाहरुख खान के साथ सलमान खान का कैमियो देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों इसी बीच खबर आई है कि साउथ की एलियन बेस्ड फिल्म जिसमें एक नया ही जादू नजर आने वाला है दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, और 24AM स्टूडियोज के RD राजा द्वारा निर्मित और R रवि कुमार द्वारा निर्देशित शिव कार्तिकेयन की फैंटेसी एंटरटेनर आइलैंड भी दिवाली 2023 पर रिलीज होने वाली है। मतलब कि दोस्तों साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक्टर शिव कार्तिकेयन सलमान खान की मूवी टाइगर 3 को चैलेंज करते हुए अपनी पैन इंडिया मूवी आइलैंड को रिलीज कर रहे हैं दिवाली के मौके पर। मतलब कि दिवाली के मौके पर हमें दो बड़ी फिल्में देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म बाजी मार ले जाती है और कौन सी रह जाती है पीछे, ये तो दोस्तों हमें दिवाली के बाद पता लग ही जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्टर शिव कार्तिकेयन ने दिवाली के मौके पर अपनी फिल्म को रिलीज करके सीधा पंगा ले लिया है बॉलीवुड के दबंग भाईजान सलमान खान के साथ। लेकिन दोस्तों इस बार सिनेमा घरों में सलमान खान अकेले नहीं आ रहे हैं बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त शाहरुख खान के साथ आ रहे हैं, और ऐसे में सलमान खान की मूवी टाइगर 3 की हाइप दोगुनी हो जाती है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम साउथ सिनेमा की बात करें तो साउथ की फिल्मों ने हमें हमेशा ही हैरान किया है और एक्सपेक्टेशन से हमेशा ज्यादा ही दिया है, और ऐसे में इस तरीके की एक मूवी जिसमें आपको एलियंस देखने को मिलेंगे दोस्तों ये कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों अब देखना होगा कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और साउथ के एक्टर शिव कार्तिकेयन के बीच में अब फैंस किसकी मूवी को देखना ज्यादा पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों आप कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप भी साउथ की फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।